नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आफ्टर सर्चिंग फॉर ऑलमोस्ट वन मंथ, मैंने बहुत सारी एसयूवी में टेस्ट ड्राइव कर रहा था, मैं बहुत सारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहा था। अल्टीमेटली मुझे जो गाड़ी लेना था वो मुझे मिल गया और ये आपके सामने है। दिस इज़ 2020 टोयोटा RAV4 XLE ट्रिम, जिसका मैंने पहले भी एक मैंने रिव्यू किया था, लेकिन वो गाड़ी मुझे नहीं मिला था जिसका मैंने रिव्यू किया था। वो 2019 मॉडल था और किसी ने ऑलरेडी बुक कर दिया था। तो ये गाड़ी जस्ट मुझे मिला दो दिन पहले और मैंने इंस्टेंटली इसको बुक कर दिया था, क्योंकि टोयोटा RAV4 का आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये नॉर्थ अमेरिका का नंबर वन कॉम्पैक्ट एसयूवी है। मतलब अगर आपको छोटा एसयूवी लेना है, दिस इज़ द नंबर वन सेलिंग कार। इसका रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा है, इसका मेंटेनेंस काफ़ी चीप है और इसका जो तेल का जो माइलेज है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। फ्यूल इकोनॉमी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑन दिस कार। देखो आप, 17-inch अलॉय व्हील, इसमें एक छोटा सा सनरूफ है और काफ़ी सारा सेफ्टी फीचर्स है इस गाड़ी में। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल से शुरू होके देखो छोटा सा सनरूफ है तो क्रूज कंट्रोल है इसमें। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या है? एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल होता है कि अगर आप क्रूज कंट्रोल में अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, अगर आप सेट कर देते हो कि 100 km/h, देन गाड़ी क्या होगा, गाड़ी 100 km पे भागेगी और आपके सामने अगर कोई आगे दूसरा गाड़ी आ जाता है देन गाड़ी अपने आप स्टॉप हो जाएगा। मतलब गाड़ी अपने आप ब्रेक दबा के ये स्पीड कम कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये काफ़ी सारा और भी एडवांस फीचर्स है इस गाड़ी में सेफ्टी को लेके। लाइक अगर आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी है, अगर सामने अगर आपके ब्लाइंड स्पॉट से कोई गाड़ी आ रहा है तो आपके साइड व्यू मिरर में वो एक छोटा सा लाइट जलेगा तो आपको पता होगा कि कोई गाड़ी आपके सामने साथ में है। और ये छोटा सा एक टच स्क्रीन है यहाँ पे, ये एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो इनेबल्ड है। ये सनरूफ मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पीछे गाड़ी का जगह भी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है देखो, विथ कार सीट और ट्रंक में भी अच्छा खासा जगह है। काफ़ी सारा सामान आप लेके आप ट्रैवल कर सकते हो। और इस गाड़ी का जैसे मैंने बोला कि रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी जगह पे लॉन्ग ट्रिप में चले जाओ ये गाड़ी आपको साथ देगा। और इसका मेंटेनेंस खर्चा भी काफ़ी चीप है और बिकॉज दिस कार ये बहुत ज़्यादा सेल होता है नॉर्थ अमेरिका में, तो इसका अगर कभी आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इस गाड़ी का और अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। देखो ये वन टच बटन, ये पावर टेलगेट है तो पीछे जाएगा। देखो तो फिलहाल गंदा है, काफ़ी सारा सामान हम लोगों ने रखा है। और गाड़ी के साथ बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा डील मिला, मुझे विंटर टायर मिल गया गाड़ी के साथ, जो मुझे नहीं तो मुझे लेना होता, $800-900 उसका प्राइस होता। और देखो गाड़ी के साथ छोटा सा एक हीच ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये हीच इंस्टॉलेशन में भी $2000 लगता है। तो हीच बेसिकली लगता है कि अगर आपको ट्रेल करना है कुछ, मतलब अगर आपको इस गाड़ी के पीछे और एक कुछ लगा के अगर आपको लेके जाना है, या आपको अगर बाइक का रैक मतलब साइकिल रैक अगर आपको लगाना है, आप पीछे साइकिल रैक इंस्टॉल कर सकते हो। राइट, सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक नो विद दिस कार ऑलमोस्ट 2000+2000 मतलब ऑलमोस्ट $4000 का गुडीज मुझे मिल गया, $4000 तो ऑलरेडी मेरा सेविंग्स है। सो या दैट्स इट। और सामने देखो LED हेडलाइट है गाड़ी का, और LED हेडलाइट आप लोगों को पता है कि अगर आप डार्क में ड्राइव करते हो तो देन लाइक नो दैट इज़ क्वाइट यूजफुल। और गाड़ी का कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिस इज़ नॉट अ ग्रे कलर लाइक लाइट ग्रे और ब्लैक नहीं है, दिस इज़ अ डार्किश ग्रे। राइट, तो अगर आप दूर से देखोगे, अगर आप नाइट टाइम में अगर देखोगे तो आपको ब्लैक लगेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ ब्लैक कलर। सो बट मुझे जस्ट इसका एलोई व्हील जो मुझे उतना पसंद नहीं आया, शायद मैं इसको कलर करने वाला हूँ, ब्लैक कलर करने वाला हूँ इसके एलोई व्हील को। अदरवाइज दिस कार इज लेकिन टोटल कंप्लीट पैकेज। और इसका एक सनरूफ है और साथ में यहाँ पे मैं और एक शायद रैक इंस्टॉल करने वाला हूँ, ताकि अगर रैक इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग काफ़ी सारा और सामान लेके दूर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का प्लान है कि हेलीफैक्स से हम लोग टोरंटो ट्रैवल करेंगे और देन हेलीफैक्स से हम लोग बैंड जैस्पर मतलब वेस्ट ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं इस गाड़ी में। तो अभी नहीं, आफ्टर फ्यू मंथ्स विल प्लान दैट। तो लेकिन उसके पहले थोड़ा सा गाड़ी को और मुझे रेडी करना है और कुछ एक्सेसरीज मुझे इंस्टॉल करना है। सो या, सो दैट्स इट। सो दिस इज़ माई कार, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लॉग विद दिस कार RAV4।
एंड होपफुली आप लोग ऐसे और भी ब्लॉग मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने विद दिस रैपोर्ट। मैं जहाँ पे ड्राइव करके जाऊँगा, लॉन्ग ड्राइव करके जाऊँगा, मैं बहुत सब वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ जानना है रिगार्डिंग कनाडा, हाउ इज़ लाइफ इन कनाडा, अगर कनाडा के पीआर के बारे में कुछ जानना है, कनाडा में अगर आपको गाड़ी लेनी है अगर उस बारे में कुछ जानना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मैं जो भी मुझे जो भी नॉलेज है आई कैन शेयर विद यू गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड।